आज जो है हम अपने चैप्टर नंबर 7 को ऑफिशियली स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट टॉपिक में हमने जो है इसके बारे में इंट्रोडक्शन लिया था कि चैप्टर नंबर 7 में हमने क्या क्या पढ़ना है। अब हम इसको ऑफिशियली टॉपिक बाय टॉपिक जो है वो स्टडी करेंगे। तो चैप्टर नंबर 7 के शुरू में हमें कुछ इंट्रोडक्टरी जो सी हैं चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, जिसको हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कहते हैं। उसके बाद हम जो है आगे लेके चीज़ों को फर्दर जो है वो डिटेल में जाएंगे। अब आपको पता है कि आपके पास जौन सा है एनर्जी होती है, एनर्जी इज़ द एबिलिटी ऑफ एनीथिंग टू डू वर्क। अब ये एनर्जी जो है किसी भी फॉर्म के अंदर हो सकती है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ साउंड, एंड द लिस्ट गोज ऑन। हमारे चैप्टर का नाम है थर्मोकेमिस्ट्री, एंड द वर्ड थर्म इज ऑलवेज रिलेटेड विद द हीट पार्ट। जब भी थर्म आएगा आपके पास, जो पहला कॉन्सेप्ट आपके जहन में आना चाहिए, दैट इज इट इज़ रिलेटेड टू द हीट। आप थर्मामीटर की बात करते हैं तो मीटर इज़ दैट थिंग जो कि किसी चीज़ को मैयर करेगा, एंड थर्मो इज़ फॉर हीट, टेम्परेचर। इसी तरह थर्मोकेमिस्ट्री में हम हीट को स्टडी करेंगे। अब अभी तक जो आपने पाँचवा और छठवां चैप्टर, या अभी तक जो आपकी केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग है, उसमें आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, जब भी केमिकल चेंज आएगा या रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स बनाएंगे, तो उसमें जो है वो दो काम होंगे। नंबर वन इज़ दी बॉन्ड ब्रेकिंग, कि जो पहले से एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स हैं दे विल ब्रेक डाउन, एंड नंबर टू इज़ दी बॉन्ड फॉर्मेशन। अब आपको पता है, इसको मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। अभी तक जो आपने केमिकल बॉन्डिंग का पिछला चैप्टर पढ़ा था, उसमें भी हमने ये देखा था कि जब भी दो रिएक्शन, दो जो उनसे हैं रिएक्टेंट्स आपस में मिलेंगे, एंड दे विल फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट सी, तो वो रिएक्शन उसी सूरत में आएगा कि जब ये हाई एनर्जी पर होंगे और ये आपस में मिलके लो एनर्जी पर आ जाएंगे। अब इनके दरमियान बॉन्ड बना और ये लो एनर्जी पे आ गए। अब इसी सी को अगर मुझे तोड़ना है ए और बी में, तो वो एनर्जी जो हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे आते हुए इन्होंने रिलीज़ की थी, एनर्जी रिलीज़ हुई ना, ये पहले हाई एनर्जी पे थे फिर ये लो एनर्जी पर आए। तो जब लो एनर्जी पर आए तो इनके दरमियान जो डिफरेंस आया एनर्जी का, वो कहाँ गया? वो रिलीज़ हो गया सिस्टम के बाहर सराउंडिंग में। सिमिलरली जब इसको मैं तोड़ूंगा और ये वापस ए और बी में जाएगा, तो वो एनर्जी जो इसने रिलीज़ की थी वो इसको सिस्टम से वापस लेनी पड़ेगी, और ये एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ से पता क्या चला कि बॉन्ड का जो टूटना है, यहाँ पे बॉन्ड टूट रहा है, सी जो है ए और बी में टूट रहा है, तो बॉन्ड ब्रेकिंग एब्जॉर्ब्स एनर्जी। ये सारी पुरानी बात है, आई एम जस्ट रिपीटिंग इट कि आपका कॉन्सेप्ट फिर से रिफ्रेश हो जाए। बॉन्ड ब्रेकिंग एब्जॉर्ब्स एनर्जी, और यहाँ पे बॉन्ड बना था तो इसने क्या किया था, इट रिलीज्ड एनर्जी। तो बॉन्ड फॉर्मेशन रिलीजेज एनर्जी, एंड बॉन्ड ब्रेकिंग एब्जॉर्ब्स एनर्जी। अब होता क्या है कि एक रिएक्शन, जब एनर्जी, जब एक रिएक्शन होता है, जब रिएक्टेंट्स जो उनसे हैं वो मिलके प्रोडक्ट्स की शक्ल में जाते हैं, तो एनर्जी का जो है वो चेंज आता है। रिएक्टेंट्स फॉर एग्जांपल ए और बी थे, तो इनकी जो उनसी है पहले सर्टेन एनर्जी थी, अब जब ये प्रोडक्ट में बन गए, तो अगर ये सी और डी बन चुके हैं, तो अब इन सी और डी की भी जो है वो सर्टेन एनर्जी है। इसकी एनर्जी की भी कोई ना कोई वैल्यू है, इन एनर्जी की भी कोई ना कोई वैल्यू है। ये भी ज़्यादा हो सकती है इससे, और ये भी ज़्यादा हो सकती है इससे।
ये डिपेंड करेगा रिएक्शन टू रिएक्शन। तो ओवरऑल जो चेंज आएगा वो पॉजिटिव, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूँ तो, अगर ये वैल्यू बढ़ी है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ओवरऑल एनर्जी इनकी होगी 100 और रिएक्शन के बाद रहेगी 50, तो अगर मैं इनका डिफरेंस लूँगा तो मेरे पास आएगी 50। और ये 50 क्या है, ये निकलेगी बाहर, क्योंकि रिएक्शन के पहले 100 थी, अब वो 50 पे आ गए हैं तो ये बाहर रिलीज़ करेगी। उल्टा केस भी हो सकता है, मैं कहता हूँ इनकी 100 थी लेकिन जो नई प्रोडक्ट बनी वो 150 पे थी, तो मेरे पास -150 के अंदर आंसर आएगा। -150 का मतलब क्या है कि इनका डिफरेंस, रिएक्शंस पहले 100 पे थे लेकिन अब वो 150 पे जा चुके हैं, तो 50 इसके अंदर ऐड होंगे, तो 50 जो जाउल हैं वो बाहर से इसके अंदर ऐड अप होंगे ताकि ये मिलके जो है 150 बनेगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है किसी भी रिएक्शन के दौरान, दैट इज़ कॉल्ड द हीट ऑफ द रिएक्शन। हीट ऑफ द रिएक्शन क्या है, द ओवरऑल चेंज ऑफ रिएक्शन, क्योंकि एक ही रिएक्शन के दौरान आपके पास बॉन्ड ब्रेक भी हो रहे हैं और आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रही है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन की एनर्जी और बॉन्ड ब्रेकिंग की एनर्जी दोनों का डिफरेंस हमें बताएगा कि ये रिएक्शन जो है, जो हीट ऑफ रिएक्शन है, इसको एनर्जी चाहिए होगी या ये एनर्जी रिलीज़ करेगा वो हमें। अगर तो एनर्जी रिलीज़ करेगा तो क्या कंडीशन होगी, और एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो क्या कंडीशन होगी, ये हमें इनके डिफरेंस से पता चलेगा कि कितनी बॉन्ड ब्रेक हुए हैं और कितने फॉर्म हुए हैं, और उनका डिफरेंस हमें एनर्जी बताएगा। अब हमें पता है कि सब्सटेंसेस जो उनसे हैं, दे एग्जिस्ट ड्यू टू एनर्जी, सब्सटेंसेस एग्जिस्ट बिकॉज दे हैव एनर्जी, उनके पास एनर्जी मौजूद है। अब क्या होता है कि जब भी रिएक्शन होता है तो टोटल एनर्जी जो उनसी है प्रोडक्ट्स की, टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स इज नेवर इक्वल टू द टोटल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। क्योंकि अगर इनकी एनर्जी सेम होगी तो रिएक्शन होगा ही नहीं। ये सारा कॉन्सेप्ट पुराना है, हम एक स्टडी करके आए थे शुरू में अपने चैप्टर नंबर 5th के बी और 6th में भी हमने पढ़ा कि जब भी कोई भी सब्सटेंस बॉन्ड क्यों बनाता है, वो बॉन्ड इसलिए बनाता है कि वो स्टेबल होना चाहता है, और स्टेबल वो तब होगा जब वो लो एनर्जी पर आएगा। तो टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जो सी है वो टोटल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स के इक्वल नहीं होती। अब होता क्या है कि समटाइम्स जो है रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा होती है प्रोडक्ट्स के निस्बत, और इसके वैसे वर्सा हो जाता है। तो हमें जो चीज़ ये पता लगती है कि अगर ओवरऑल रिएक्शन जो है, अगर एक रिएक्शन था ये, इसमें से अगर तो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो हम कहेंगे कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और अगर इसको एनर्जी देनी पड़ रही है तो हम कहेंगे ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि कुछ रिएक्शन एनर्जी लेते हैं कंप्लीट होने के लिए और कुछ रिएक्शंस एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। और ओवरऑल जो हीट का चेंज है, दैट इज़ द कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ तक आपके पास कॉन्सेप्ट जो सा है वो क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम चलते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की तरफ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज इवॉल्व्ड या रिलीज्ड, आप कह लें कि एनर्जी जो है रिएक्शन से बाहर निकलती है। तो दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब होता क्या है, मैं कहता हूँ ये मेरा सिस्टम है, सिस्टम के अलावा जितनी चीज़ है दैट इज़ इट्स सराउंडिंग, रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, सिस्टम में से एनर्जी जो है वो बाहर निकल रही है, एनर्जी रिलीज होगी रिएक्शन के नतीजे में, तो इस सिस्टम से एनर्जी किधर जा रही है, आपकी
सराउंडिंग में, और ये जो सराउंडिंग है इसका टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर विल राइज, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है इसके अंदर हीट आ रही है। अब ये जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है ये हीट के इवॉल्व होने से जो सा है वो बढ़ गया। अब होगा क्या कि कुछ देर के बाद जब रिएक्शन कंप्लीट होगा, अभी तो इसका टेम्परेचर बढ़ गया है लेकिन थोड़ी देर के बाद इसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, टेम्परेचर विल बी बैक टू दी रूम टेम्परेचर। क्यों हुआ ये कि रिएक्शन हुआ, रिएक्शन से एनर्जी निकली, एनर्जी डिसिपेट हो गई, एनर्जी फैल गई सराउंडिंग में, सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ गया और फिर इस सराउंडिंग से मज़ीद बाहर वाली सराउंडिंग में फैलती गई और आहिस्ता आहिस्ता जो एनर्जी है वो तमाम एटमॉस्फेयर में डिस्ट्रीब्यूट हो गई और सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो वापस आपके पास रूम टेम्परेचर के ऊपर आ गया। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में यही होता है कि आपके सिस्टम से एनर्जी निकलती है और आपके सिस्टम का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से बढ़ जाता है। सिस्टम से एनर्जी निकलेगी, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये टेम्परेचर बढ़ाएगा सराउंडिंग का, और सराउंडिंग से एनर्जी जो है मज़ीद फैल जाएगी बाहर और सिस्टम वापस आ जाएगा रूम टेम्परेचर के ऊपर। सिमिलरली अब हम देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन को। एंडोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। इनको क्या होता है, इनको चलने के लिए एनर्जी जो होती है वो चाहिए होती है। अब वो एनर्जी आती कहाँ से है, आपके पास ये सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है और उसको जो सी है एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से आएगी, वो एनर्जी लेगा, दिस एनर्जी जो इसको एब्जॉर्ब करनी है, जो इसको चाहिए ये लेगा रिएक्टिंग मटेरियल से। मतलब कि अगर दो चीज़ें जो हैं सिस्टम के अंदर, फॉर एग्जांपल ए और बी मौजूद थे रिएक्टेंट के तौर पे, इन्होंने जब रिएक्ट करना है तो इनको एनर्जी चाहिए, तो ये एनर्जी सिस्टम के अंदर से यूज़ होगी, सिस्टम खुद इसको यूज़ करेगा फ्रॉम दी रिएक्टिंग मटेरियल्स। अब जैसे ही ये एनर्जी जो है इस्तेमाल करेगा तो सिस्टम का जो टेम्परेचर है विल बी लोअर्ड फ्रॉम रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर से जो है सिस्टम की टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो एनर्जी थी वो रिएक्शन में इस्तेमाल हो गई। अब थोड़ी देर के लिए ये जो सिस्टम है आपको कूलर लगेगा, ठंडा लगेगा, क्यों, क्योंकि इसका टेम्परेचर गिर गया है, लेकिन जो बाहर सराउंडिंग है इसकी, जैसे ही रिएक्शन के थोड़ी देर के बाद इसका टेम्परेचर जो है विल बी नॉर्मल, विल बी बैक टू दी रूम टेम्परेचर। थोड़ी देर बाद इसका टेम्परेचर जो है वापस रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि सिस्टम को एनर्जी चाहिए थी, सिस्टम ने इन रिएक्टिंग मटेरियल से एनर्जी ले ली और ख़ुद इसका टेम्परेचर लोअर हो गया। अब क्या होगा, इसका टेम्परेचर वापस लाने के लिए जो सराउंडिंग में एनर्जी मौजूद है, जो इसका सिस्टम के सराउंडिंग में एनर्जी मौजूद है, वो एनर्जी सिस्टम के अंदर आएगी और सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो वापस रूम टेम्परेचर की तरफ आ जाएगा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में ये होता है कि एनर्जी जो चाहिए होती है वो रिएक्टिंग मटेरियल से ली जाती है और रिएक्टिंग मटेरियल से एनर्जी इस्तेमाल होने के नतीजे में सिस्टम का टेम्परेचर गिर जाता है, कम हो जाता है। जैसे ही वो टेम्परेचर गिरता है सराउंडिंग से एनर्जी सिस्टम के अंदर मूव करती है, दिस इज़ सराउंडिंग। उसकी सराउंडिंग से एनर्जी जब सिस्टम में मूव करेगी तो सिस्टम का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर वापस आ जाएगा और रिएक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो दिस इज़ हाउ एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो से हैं वो वर्क करते हैं। अब हम चलते हैं इनके यूनिट्स की तरफ या इनकी रिप्रेजेंटेशन की तरफ कि एनर्जी को हम कैसे लिखते हैं। तो एनर्जी के जो यूनिट्स हम थर्मोकेमिस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, दोज आर दी किलो जाउल्स। जाउल इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी, इस केस में हम किलो जाउल इस्तेमाल करते हैं, और अगर एक मोल की बात करें तो हम यूज़ करते हैं किलो जाउल पर मोल। अब आ जाते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन की तरफ। अगर तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है
तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी होती है रिलीज, और रिलीज होने का साइन होता है माइनस। तो हम जब भी डेल्टा एच लिखते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, तो अगर हीट ऑफ रिएक्शन 100 है तो हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में -100 किलो जाउल पर मोल जो है वो लिखेंगे। और अगर हमारे पास सिस्टम जो है एंडोथर्मिक है, जिसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो एनर्जी बेसिकली ऐड हो रही है सिस्टम में, तो हम उसको प्लस की शक्ल में लिखेंगे, +200 किलो जाउल पर मोल या जितनी भी उसकी वैल्यू है। तो प्लस का साइन विल टेल अस कि रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, एंड नेगेटिव साइन विल टेल अस दैट द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। नाउ वी विल फर्दर स्टडी दी एग्जाम्पल्स ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो यहाँ पे आपकी बुक में कुछ एग्जाम्पल्स मेंशन हैं, उन्हीं को हम स्टडी कर लेते हैं जिससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा। पहला रिएक्शन है जी कम्बशन ऑफ कार्बन। अब आपको पता है कोयले को जब आप जलाते हैं तो हमें हीट मिलती है, आग मिलती है। वो क्यों मिलती है? क्योंकि रिएक्शन क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है। जब भी कोयले का एक मोल जलेगा, कार्बन का एक मोल जलेगा इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये गैस है, ये सॉलिड होगा, तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और आपके पास साथ में मिलेगी हीट, और हीट होती है इसकी 393.7 किलो जाउल पर मोल, एंड माइनस साइन इज टेलिंग अस दैट इस रिएक्शन से इतनी हीट बाहर निकल रही है। यही वजह है कि जब आप कोयला जलाते हैं तो आपके पास हीट एनर्जी पैदा होती है, जिसको आप डिफरेंट फंक्शंस में अपने यहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके पास हीट इवॉल्व हुई ड्यूरिंग दी कम्बशन ऑफ कार्बन। इसी तरह एक दूसरा रिएक्शन आपकी बुक में मेंशन है, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर जब भी बनेगा, आपके पास हाइड्रोजन का एक और आधा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, तो आपके पास जो चीज़ बनेगी वो H2O होगी, जो कि लिक्विड फॉर्म में होगी, और इसका डेल्टा एच विल बी दी -285.58 किलो जाउल पर मोल। तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर की जो है ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये दूसरी एग्जांपल थी हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। सिमिलरली एक और जो है हमारे पास अमोनिया की फॉर्मेशन है, नंबर 3 इज़ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, दिस इज़ आल्सो एक्सोथर्मिक। जब भी अमोनिया आपके पास बनेगी, अमोनिया का फॉर्मूला है वो रिएक्शन होता है N2+3H2, तो ये आपके पास 2NH3 जो है वो बना देते हैं, और इसकी जो डेल्टा एच होती है दैट इज़ -41.6 किलो जाउल पर मोल। तो आपके पास जब भी अमोनिया बनेगी, उसका एक मोल बनते हुए 41.6 किलो जाउल मोल ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज करेगा। कमिंग टू द एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर पहला है जी वही वाटर का उल्टा कर दें। अब पहले वाटर आपने बनाया था, अब वाटर को आप कर दें डिकम्पोज, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। अगर आप अपना ऊपर इस रिएक्शन को देखें, तो वाटर जब बना था ये वाला, तो इसने एनर्जी ली थी इतनी। अब जब वाटर टूटेगा इसके अंदर, इस रिएक्शन को मैं जब मैं उल्टा लिखूंगा, तो यही वाली एनर्जी जो है इसको एब्जॉर्ब करवाएगा, कर देनी पड़ेगी हमें। तो इसका रिएक्शन जो होगा H2O, जो कि अब टूट रहा है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से, इनसे मिलके वो बना था। तो जब बनते वक्त इसने एनर्जी रिलीज की थी, टूटते वक्त बॉन्ड ब्रेकिंग हम शुरू में पढ़ के आए हैं कि एब्जॉर्ब एनर्जी, तो इसको हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी दे रहे हैं तो प्लस का साइन, और एनर्जी की क्वांटिटी वही जो कि इसको बनाते हुए निकली थी, 258.58 किलो जाउल पर मोल। तो जब भी कोई रिएक्शन जितनी वो एनर्जी करते वक्त लेगा, उतनी ही वो उसको तोड़ते वक्त रिलीज करेगा, या जितनी वो तोड़ते वक्त उसको चाहिए होगी उतनी ही वो बनाते वक्त रिलीज करेगा। नंबर 2 इज़ दी एग्जांपल ऑफ दी फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसके अंदर N2
और ओ टू मिलते हैं और आपके पास 2NO बनाएंगे जो कि नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड है और इसकी डेल्टा एच इज़ +180.5 किलो जाउल पर मोल. तो प्लस साइन इज टेलिंग अस दैट द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक. तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपके शुरू के इंट्रोडक्शन के टॉपिक में क्लियर करना ज़रूरी था ताकि हमें पता हो कि कोई भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है या एनर्जी का चेंज जो है उससे रिलेटेड क्यों होता है. तो ये हमारा आज का टॉपिक था, फर्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 7. नेक्स्ट टॉपिक में हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होते हैं और उसके बाद फिर हम मजीद इसकी डेप्थ में जाएंगे. तो दिस वॉज द टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 7.